हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका सबका? उम्मीद करता हूँ आप दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काइन मास्टर पर होने वाली है। काइन मास्टर के अंदर जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एक लड़का, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये एडिट भी किया है, कि दरवाजे से निकलता है तो दरवाजे से बाहर से निकलता है, लेकिन वो कम्प्लीटली निकल नहीं सकता, ऊपर फिर दरवाज़ा आ जाता है। तो वो कैसे एडिट करते हैं वो आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहेंगे तो मिल जाएगी मुझे भी। और इसके अलावा अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीटली कि कैसे आप इस तरह का बना सकते हैं। एक टिकटॉक का जो ट्रेंड है, इस हवाले से एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आप बना सकते हैं। बाकी और ऐसी बहुत सारी टिकटॉक के हवाले से वीडियोस आने वाली हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ और आप दोस्तों को मिलने वाली है। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन मिल रहा है उसको जल्दी से प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वीडियो शूट कर लेनी है। आपने किसी स्टैंड पर मोबाइल लगाना है और सामने रख देना है किसी डोर पे। तो जिस तरह मैंने ये वीडियो बना रखी है, मैं आपको यहाँ पर ऐड करके भी दिखा दे। सबसे पहले मैंने ऐड कर तो रखी है, लेकिन यहाँ पर आपने बना लेनी है वीडियो। दरवाज़े से आप निकल रहे हूँ तो इस तरह बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एडिटर की। तो सबसे पहले अपनी वीडियो सिंपली रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, उस वीडियो को आपने प्ले करना है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन सी वीडियो है। तो गाइज़, ये रही वो हमारी वीडियो और इस तरह मैंने कुछ सिंपल रिकॉर्ड की थी, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं भी उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बताऊँगा एप्लीकेशन बैकग्राउंड अरेजर के नाम से। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जूँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोड फोटो पर मिलेगा, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपने ऐड कर लेना। तो मैं स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट, यहाँ से हमने लिया था और लेने के बाद आपने सिंपली ऊपर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर मैजिक वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसको सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेना है। मैजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अरेज हो रहा है। और यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको अरेज करते जाना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर से अरेज़ कर लेता हूँ। अरेज़ करने के बाद यहाँ पर अब हम आ जाते हैं मैनुअल में। मैनुअल में आने के बाद जो नीचे वाली साइड है, इसको आपने बिल्कुल यानी कि आराम से और ऐसे इक्वल करके सबको करना है, मुकम्मल इक्वल हो, कहीं से ऊपर नीचे ना हो, कोशिश करनी है आपने इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से अरेज़ हो चुका है और ये वाली जो साइड है थोड़ी सी अगर रह गई हैं तो इसको आपने मज़ीद इस तरीके से आपने देख लेना है, कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है। करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना। सेव करने से पहले आपने क्या करना है, आपने ऊपर टिक वाले बटन पर प्रेस करना है। ऊपर टिक यानी डन, डन करने के बाद यहाँ पर नीचे फोर्थ पे आ जाना है और उसके बाद ऊपर सेव वाले बटन पर प्रेस करें। तो ये सेव हो चुकी है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर की। काइन मास्टर के अंदर आपने जाना है, सबसे पहले उस वीडियो को ऐड करना है। तो यहाँ पर काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने ले लेना है 9:16, मतलब कि टिकटॉक वाली वीडियो कैसे एडिट करनी हो। मीडिया में जाएं और वो वाली वीडियो यहाँ पर ऐड कर लें। तो गाइज़, ये रही वो वाली वीडियो और यहाँ पर हमने ऐड कर ली है। और ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से नज़र आ रही है। अब यहाँ पर स्टार्ट में आपने वो वाला स्क्रीन शॉट जो अरेज किया, उसका बैकग्राउंड यानी डोर वाला हिस्सा, वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। ये रहा वो वाला स्क्रीन शॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जूम करके आपने बिल्कुल इक्वल कर लेना है, मतलब कि उससे न बड़ा हो न छोटा, बिल्कुल आपने उसके उस हिसाब से इक्वल कर लेना है। तो यकीनन इसको आपने यहाँ तक ऐड कर रखना है जब तक आप दोबारा बाहर निकलने के बाद अंदर नहीं चले जाते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, अब मैं अंदर चला गया यानी 8 पॉइंट पे, अब मैं अंदर चला गया। अब यहाँ से स्क्रीन शॉट को आपने एंड करना है, एंड पॉइंट इसका आउट एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर आपने फेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर तो निकल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ सका, लेकिन अब मैं बैक चलता हूँ। जब बैक जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
अब मैं निकल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपने इसको एडिट कर लेना। अब आपने सिंपली सेव कर लेना। अगर आप म्यूज़िक ऑडियो लगाना चाहते हो यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करके लगा सकते हैं। सेव करने के लिए आपने यहाँ पर प्रेस करना है, और यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक हो गया, सिर्फ सिंपली इतना सा काम है। इतना करने के बाद आपने बाकी कुछ भी नहीं करना, आपने अपलोड कर देना है टिकटॉक पे। गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।